भगवान किसके भूखे हैं बोलो? अच्छा भगवान है तो भाव के भूखे, हम लोग चढ़ाते क्या है? अंगूर केरा। अच्छा हद हो गई, अब तो हम मंदिरों में देखते हैं हमें बड़ी हंसी आती है, अब लोग अंगूर केरा भी नहीं, नारियल चढ़ाऊ नारियल की खोपड़ी हनुमान जी लो चढ़ाऊ तो गरी लोग आइए खवाऊ। बताओ बताओ। अब फिर कहते महाराज जी 20 साल से प्रसाद चढ़ा रहे कछु नहीं हो रहा, ठटरी के बरे पूरी। अच्छा अगरबत्ती, एक गांव में हम गए दर्शन करने, बोले महाराज जी हनुमान जी के मंदिर आई। हमने कहा चलो, हम मंदिर गए अगरबत्ती हनुमान जी के कान में खोसी मंदिर। हमने कहा ये क्या है? बोले कुछ नहीं पुजारी जी, बोले बहुत सीधे पुजारी थे सरल। हम बोले महाराज जी क्षमा करना, हमने सोचा कि अगरबत्ती कान में लगाएंगे तो सुगंध नजदीक पहुंचेगी। हम कहा नाकई में लगा दो, कान में क्यों नाकई में लगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। कहां? जहां भक्त ने कहा यहां, वही भगवान है। इसीलिए तुम लोग भी मीरा के इस चरित्र से तुम्हें सीखना चाहिए कि टाइम की जरूरत नहीं है, मधुबन की जरूरत नहीं है, मन को ही मधुबन बनाकर, तन को मीरा, मन को ही मीरा बनाकर, मन को मधुबन बनाकर गोविंद को अगर रिझाओगे तुम आज भी गोविंद में समा जाओगे, आज भी तुम माधव को पा जाओगे।